हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पुराने कपड़ों के आइडियाज, जिसके लिए हम ना फॉर्म सीट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना रबर सीट और ना बुकरम का। हमारे घर में बेकार पड़े शॉपिंग बैग, आटा बैग, राइस बैग, प्लास्टिक की जो बोरी होती है उनका यूज करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। इसके लिए मैंने एक पुराना पेटीकोट लिया है, जो कली और पाट वाला होता था ना, पहले टाइम में चलते थे, तो काफी दिन से ऐसे ही रखा था, कोई यूज में नहीं आ रहा था। तो चलो आज इसका हम एक बहुत ही सुंदर सा बैग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ना इसमें से एक रेक्टेंगल पीस कट करना, बाकी को हम रख देंगे साइड में। तो रेक्टेंगल पीस की लेंथ यदि मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हमने ना बीच में आटा बैग का यूज किया है, नीचे पुरानी कुर्ती लगाई है हमने, और चारों साइड से ना सील कर इसे रेडी कर लिया है। अब मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ, इसकी जो लेंथ है वो है 26 इंच और जो इसकी विड्थ है वो है 19 इंच। तो ये एक रेक्टेंगल पीस हमने चारों साइड से सील कर तैयार कर लिया है। बीच में आटा बैग है, नीचे लाइनिंग के लिए कुर्ती का यूज किया है। इसके अंदर वाली साइड हम दो पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े के पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई है 10 इंच। अब हमें इसमें चैन नहीं लगानी है, आप चाहें तो चैन का यूज कर सकते हैं। मैं बस इसे ना इस तरह से किनारी की साइड से फोल्ड करूंगी और एक सिलाई लगा दूंगी चारों साइड। ये देखिए दोनों पीस हमने सील कर तैयार कर लिए। अब इसे लगाना किस तरह से वो देखिए। तो हम इसे अंदर वाली साइड लगाएंगे पॉकेट को, उसके लिए हमें मेन फैब्रिक को फोल्ड करना है और बीचों बीच हमें पहले इसके ऊपर मार्क कर लेना है। दोनों साइड निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में अब इधर हमें पॉकेट को अटैच करना है। करना किस तरह से, पहले इंच टेप को ऊपर वाली साइड से हम नापेंगे कपड़े के ऊपर, 5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से दूसरी वाली साइड को इंच टेप से नापना है और 5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। इसके ऊपर हमें पॉकेट को लगाना है, तो पॉकेट को भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये निशान हमें रखना है मेन फैब्रिक का, जो निशान हमने बीचों बीच लगाया था ना ऊपर की साइड से, 5 इंच पर नापते हो उधर की साइड। उसके बाद इसे हमें इसके ऊपर रखना है और 3 साइड सिलाई लगाकर इस पॉकेट को हमें इसके साथ अटैच कर देना, इधर की साइड से इधर की साइड। इसी तरह से दोनों पॉकेट हमने सील कर तैयार कर लिए। ये ओपन वाली साइड है। अब हमें हैंडल लगाने के लिए इसे फोल्ड करना है दोबारा से। अब हमें लगाना है निशान सीधी साइड में, क्योंकि हम हैंडल लगाएंगे सीधी साइड में, पॉकेट हमने अंदर की तरफ रखी है। तो बीचों बीच हमें फिर से निशान लगाना है और फिर उसके बाद में ऊपर की साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। अब इधर की साइड से इंच टेप रखते हुए हमें 7 इंच पर मार्क करना है और दूसरी साइड भी इंच टेप को रखना है और 7 इंच पर मार्क करना है। मतलब कि जो हमने ये दो निशान लगाए ना, इधर की साइड हमें हैंडल को अटैच करना है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड 4 इंच पर पहले निशान लगाना है, 7 इंच इधर से और 7 इंच इधर से। तो दोनों साइड निशान लगा लिया, इधर की साइड हमें हैंडल को लगाना है। हैंडल लगाने के लिए हमने दो पीस लिए कपड़े के, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ, जिनकी लेंथ है 19 इंच और चौड़ाई है इनकी 4 इंच। अब दोनों साइड से इसे फोल्ड करना है, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जितनी आपको ना इसकी मोटाई रखनी है, आप इतना ही फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए। अब इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, एक इधर रखना है और दूसरे वाला छोर है जो इधर की साइड। इसी तरह से दूसरी वाली साइड हैंडल को सील कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने हैंडल को सील लिया है। उसके बाद इसमें हम चैन अटैच करने वाले हैं, तो चैन को अलग अलग कर लेना है, उसके बाद इधर रखना है, एक सिलाई लगानी है, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को दबाते हुए एक इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। चेन लगाने के बाद में अब इसके अंदर हम रनर डाल देंगे और इसे उल्टा ही रखना है और रनर को भी हम उल्टा रखते हुए ही डालेंगे। अब इसका बीचों बीच हमें सेंटर निकालना है, तो चेन को इधर की साइड रखना है, कपड़े को अच्छे से सेट करके बीचों बीच इसके एक निशान लगा लेना है। दोनों साइड निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसी निशान को हमें लाना है चैन के साइड में, मतलब ये निशान चैन के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से दूसरी वाली साइड है जो ये निशान इधर की साइड। अब इसे ना पिनअप कर लेंगे ताकि ये कपड़ा ना खिसके नहीं। इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी हम पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद में दोनों साइड हमें सील लेनी है, बंद कर देनी है सिलाई लगाकर दोनों साइड। ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे कॉलम कट करना है इसके चारों साइड, तो 3x3 इंच के हमें कॉलम कट करने हैं। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई भी और लंबाई हमें दोनों 3-3 इंच रखनी है और इस तरह से बॉक्स जैसा बनाकर हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद इसी पीस को हमें रखना है दूसरी वाली साइड और इधर से भी इतना ही कपड़ा हमें कट कर लेना है। मतलब कि चारों साइड हमें इसी तरह से कपड़े को रखते हुए कॉलम कट कर लेने चारों साइड। ये देखिए
चारों साइड के हमने कॉलम कट कर लिए हैं। अब इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसे इस तरह से सीलते हुए ना दूसरी साइड पलटेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, तो पतली सी ये पाइपिंग लग जाएगी हमारी और जो सिलाई है वो दब जाएगी अंदर की तरफ। उसके बाद कॉलम को हमें इस तरह से पकड़ना है, चारों कॉर्नर को जहां से हमने कॉलम कट किए थे, और इधर एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड का हमें कोना पकड़ना है और इधर सिलाई लगा देनी है। तो चारों कॉर्नर हमें इसी तरह से सील कर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी हम फिनिशिंग करेंगे छोटी सी पतली सी पट्टी लगाकर। उसके बाद चैन वाली साइड से इसे सीधा कर लेंगे, कोने को अच्छे से निकाल लेना है चारों कॉर्नर। तो ये एक हमारा प्यारा सा ऑफिस बैग या फिर लंच बैग हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए दो अंदर की साइड पॉकेट हो गई है जिनके अंदर हम फोन या छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। तो आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। इसके लिए हमने एक पेपर बैग लिया जिसका हम ड्राफ्ट कट करेंगे। तो आपने कमेंट किया था कि ड्राफ्ट वाले बैग की आप दोबारा से वीडियो डालिए, तो उसके लिए मैं आज दोबारा से इस वीडियो को डाल रही हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए कि ड्राफ्ट कट करने के लिए हमें शॉपिंग बैग को ना साइड से कट करना होता है, उसके बाद उसे किसी भी कपड़े के ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरह से इसके कॉर्नर कट नहीं करने, बस इसे ना बीच में से कट करना है। उसके बाद किसी भी कपड़े के ऊपर रखना है और एक लगाएंगे हम आटा बैग इसके बीच में। तो आटे बैग को कट कर लेंगे। अब तीनों पीस हमें दो कपड़े के चाहिए, लाइनिंग के लिए चाहिए एक मेन फैब्रिक और बीच में लगाने के लिए आटा बैग। आटे बैग की जगह आप कोई भी प्लास्टिक बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कोई भी हमने बुकरम या फॉर्म सीट का यूज नहीं किया है, आटे बैग का यूज किया। चारों साइड से इसे सील कर हम रेडी कर लेंगे। हैंडल लगाने के लिए दो पीस हमने लिए जिनकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई है इनकी 19 इंच। अंदर की साइड फोल्ड करना है दोनों साइड से थोड़ा सा कपड़ा, और एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये दो हैंडल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे लगाना किस तरह से वो देखिए, मेन फैब्रिक को हमें फोल्ड करना है बीचों बीच से और इधर की साइड निशान लगा लेना है। तो ये बीच में सेंटर पॉइंट हमारा हो गया। इधर की साइड से हमें 2 इंच इधर की साइड इसी निशान से और 2 इंच दूसरी वाली साइड। तो इधर हमें हैंडल को अटैच करना है इस तरह से, इसी तरह से दूसरी वाली साइड। तो दोनों साइड हमने हैंडल को लगा लिया है। अब ये कपड़े का पीस हमने लिया है दो पीस जिसे हम लगाएंगे दोनों साइड। चौड़ाई है इसकी 2.5 और लंबाई इसी के बराबर है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इधर एक दबने वाली सिलाई हम लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड ये वाला पीस सील देना है। ये देखिए अब इसका बेस बनाने के लिए हमें जहां तक इसके कॉर्नर है ना उधर की साइड से फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे चारों साइड। तो ये हमारा बैग का बेस बन जाएगा इस तरह से। अब सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, इधर से पकड़ना है और एक सिलाई इधर लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी वाली साइड एक सिलाई इधर की साइड। उसके बाद इसका जो कॉलम कट किया था ये वाला कॉलम है जो हमारा, उसे पकड़ेंगे कॉर्नर को, इधर सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली साइड, दोनों साइड इसी तरह से सील कर बंद कर देंगे। अब इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो एक छोटा सा पीस कपड़े का लिया हमने 1.5 इंच चौड़ा, इधर की साइड से सीलना, दूसरी साइड पलटना और एक सिलाई लगा देनी है। इसकी फिनिशिंग हो जाएगी चारों साइड से। उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे। अब हमने इसमें चैन नहीं लगाई है, आप चाहें तो चैन की जगह आप वेलक्रो का पीस लगा सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वेलक्रो का पीस लिया, अंदर वाली साइड एक पीस इधर और एक पीस इधर। तो ये हमारा एक ऑफिस बैग बनकर तैयार हो गया। चाहे आप ऑफिस बैग के लिए यूज कीजिए, चाहे लंच बॉक्स बना लीजिए बहुत ही अच्छा सा, चाहे इसे शॉपिंग बैग भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।